सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। विश्व भर में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में फैमिली डॉक्टर्स की भूमिका और योगदान को रेखांकित करने के लिए 19 मई को वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे मनाया जा रहा है। 2010 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल कॉलेज एकेडमी एवं एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियंस ने 19 मई को पहली बार वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे के रूप में घोषित किया है। कोई बीमारी हो जाती है तो उसका निदान कैसे होगा, ये सब पूरा गाइडलाइन वो डॉक्टर ही देते हैं। और जो फैमिली जो जुड़ती है उसका पूरा फेथ होता है कि ये जो कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, वो हमारी हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो फैमिली डॉक्टर का जो कर्तव्य होता है वो बढ़ जाता है, जितना विश्वास होता है उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी हो जाती है कि उस परिवार की हर तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा करे। और वो स्वास्थ्य सुरक्षा ही नहीं करता, वो हर जगह से उसकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है और वो परिवार भी उससे जुड़ता है तो हर तरह की वो सहायता लेने की कोशिश करता है। फैमिली डॉक्टर से हमेशा फैमिली डॉक्टर का मेन जो वर्क है वो होना चाहिए कि उनका प्रॉपर हमेशा जांच करते रहे, जांच करवाते रहे, प्रॉपर गाइड देता रहे, क्योंकि दवाएं कम, उनको जो है कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फैमिली डॉक्टर्स को, क्योंकि सुरक्षा उसी में होती है। सर, वर्तमान में अगर देखा जाए तो सर कोरोना बीमारी अभी भी सस्पेंस एक बना हुआ है, तो सर मैं आपसे जानना चाहता था कि क्या सर कोई ऐसा आगे खतरा है हम लोगों को? देखिए, कोरोना बीमारी का खतरा बना हुआ है ये कही जा सकती है, लेकिन ये कोरोना तो बहुत पुरानी बीमारी है, ये आज की नहीं है। आज थोड़ा महामारी के ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन हुआ इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये जो है 18वीं सदी से हमारे इस मानव समाज को अफेक्ट कर रहा है। और हम आप अपनी जो अभी हम बताए कि फैमिली डॉक्टर का क्या कर सकते हैं, हम खान पान अपनी सुरक्षित रखें, अच्छी रखें, हम जो है स्वस्थ मानसिकता रखें, स्वस्थ खान पान रखें, तो कोई भी बीमारी है वो हमको हमारे पास नहीं आएगी। तो हमारे इम्यून सिस्टम जो बार बार ये कहा जाता है, इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता, और दूसरी चीज़ कही गई है कि भोजन ही हमारी दवा है और दवा ही भोजन है। अगर इस स्लोगन को हम ध्यान दे करके भोजन को दवा के रूप में लें और दवा के जो है दवा को मान के, भोजन को ही दवा मान के चले, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़, कोई भी महामारी हमको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। थैंक यू सर।